फ्रेंडली गणतंत्र दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे और हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको भी गणेश चतुर्थी की, गणेश फेस्टिवल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे यहाँ हर साल गणेश जी का आगमन होता है और 10 साल आई विल टेक इट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको भी गणेश फेस्टिवल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे घर हर साल गणेश जी आते हैं और 10 दिन वो रहते हैं हमारे घर पे, और हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कोई अलग डेकोरेशन हो उनके लिए, ऐसी चीज़ें हों जो गणेश फेस्टिवल के बाद हम वेस्ट ना करें। तो पिछले साल हमने एक डेकोरेशन किया था विच वॉज कॉल्ड हाउस ऑफ नॉलेज। हमने किताबों से गणेश जी का घर बनाया था और गणेश जी विराजमान थे उनके बीच में, लेकिन इस साल हमने कुछ अलग सोचा। मेरी बेटी 5.5 साल की है, वो बहुत ही नेचर लविंग है और उसने और मैंने मिलके काफ़ी सारे बीज इकट्ठा किए थे थ्रू आउट द ईयर। तो हमने सोचा कि अगर वो बीज बोएं और देखते हैं, वो भी एक खास डेकोरेशन हो जाएगा। और पिछले महीने पानी फाउंडेशन का अवार्ड फंक्शन जब था, तो उसके बाद पानी फाउंडेशन ने हमें काफ़ी सारे सीड्स गिफ्ट किए थे, तो मुझे वो थॉट बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि पानी फाउंडेशन का काम मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र का ड्रॉट मिटाने में लगा हुआ है, और अगर हम ये बीज सिर्फ देखेंगे नहीं, डेकोरेशन बीज का नहीं करेंगे और उन बीजों को बोएंगे और उससे अगर पेड़ उभर आते हैं, तो मुझे लगता है अगले 5 या कुछ सालों में महाराष्ट्र से ड्रॉट चला जाएगा। तो इस थॉट के साथ हमने शुरुआत की थी और अलग अलग कप्स, ग्लासेस और पॉट्स इकट्ठा किए थे जिनमें हमने बीज बोए थे, और आप देख पा रहे हो ये काफ़ी सारे पौधे आए हैं। और ये मुझे भी इको फ्रेंडली थॉट लगा था, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि 10 दिनों के बाद ये जो पौधे आप देख रहे हो वो सूखेंगे नहीं, ये इनका प्रवास शुरू रहेगा, क्योंकि ये अब जाएंगे किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो भी मेरे पौधों का उतना ही ख्याल रखेंगे जितना मैंने ख्याल रखा है पिछले 2 हफ्ते। देखा जाए तो इको फ्रेंडली गणपति नॉर्मली बिठाते नहीं, क्योंकि बोलते हैं सुंदर नहीं होता है या कुछ और रीजंस रहते हैं उनके, तो आप अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देते हैं, और किसने किसने माना है सेलेब्स में देखा जाए तो? सेलेब्स में भी और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में भी मैं ये थॉट पहुँचाती रहती हूँ कि गणेश जी इको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ विद द टाइम्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं कभी मेरी मूर्ति का विसर्जन नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो भी परंपरा या हमारे आचार विचार हैं वो हमने तय किए हैं, हम में से कोई भी गणेश जी को मिला नहीं है ये पूछने के लिए कि गणेश जी आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपने बताया है कि विसर्जन करना ज़रूरी है, या क्या आपने बताया है कि आपको मोदक अच्छे लगते हैं, ये सब हमने तय किया है ना। तो ये जो पोएट्री हमारे मन की है ये हमने समझ लेनी चाहिए, और उसके साथ चेंजिंग टाइम्स के साथ हमने भी खुद को बदलना चाहिए और नए थॉट्स को वेलकम करना चाहिए। देखा जाए तो फिर अभी आपकी मूवी भी आ रही है काफ़ी, 2011 सिंगम के बाद ये बड़ी मूवी मानी जा रही है, देखा जाए तो इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है इस साल का गणपति उत्सव मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि पोस्टर बॉयज़ रिलीज़ हो रही है गणेश फेस्टिवल के तुरंत बाद, और बहुत दिनों बाद मेरी हिंदी फिल्म आ रही है। आपने सिंगम देखी होगी इसके पहले, जो 100 करोड़ वाली जो गैंग थी उनमें से पहली ही फिल्म थी वो, तो बड़ा अच्छा लगा था बीइंग अ पार्ट ऑफ सिंघम। और अब पोस्टर बॉयज़ रिलीज़ हो रही है जिसमें मैं सनी पाजी के वाइफ का रोल कर रही हूँ, इसमें बॉबी भी है, श्रेयस भी है, श्रेयस ने खुद डायरेक्ट की है ये फिल्म, और आई मस्ट से श्रेयस ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने एक्ट्रेस को भी बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया था। फिल्म का जॉनर ये कॉमेडी है और बहुत ही फैमिली एंटरटेनर हैं हम कह सकते हैं, और सनी पाजी की और मेरी जोड़ी बहुत ही खास है, क्योंकि सनी पाजी का कैरेक्टर मज़ेदार है, वो हमेशा अपने सेलफोन में लगे रहते हैं, हमेशा सेल्फीज़ लेते रहते हैं। फिल्म में आप बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखोगे जहाँ पे आप हंस पड़ोगे कि ये हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करने में। और मैंने पहली बार ऐसा पंजाबी लुक परिधान किया है, मैंने कभी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं किए हैं। मिशन कश्मीर में मेरा एकदम बिल्कुल ही कश्मीरी लुक था, और दिल चाहता मैं एकदम मॉडर्न था। अलग अलग अग्निवर्षा नाम की फिल्म थी, उसमें तो मैं ट्राइबल थी, टैक्सी नंबर 9211 में एक मिडिल क्लास वाइफ थी,
अब जाके ये थोड़ा सा पंजाबी या हरियाणवी लुक पहनने में मुझे बहुत मज़ा आया था। देखा जाए तो मूवी का कुछ थॉट अलग दिख रहा है पोस्टर को देखा जाए तो, फिर तो क्या है इसका, थोड़ा बताएंगे? पोस्टर बॉयज़ में एक बहुत ही फ़नी सिचुएशंस हैं। गांव के तीन जेंटलमैन हैं जो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें उनकी गलती एक्चुअली है नहीं, लेकिन गलती से वो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसके कारण बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं फैमिली में, पूरी सोसाइटी में, और वो कैसे उनका सामना करते हैं, उनकी फैमिलीज उनका साथ देती हैं नहीं देती हैं, इट इज़ अ ह्यूमरस टेक ऑन दैट। गणपति की कुछ खास मेमोरीज बता सकते हैं जो स्पेशल हो आपके लिए? मैं पूना से हूँ तो गणेश उत्सव पूना में बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट होता था। मैं जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ पे बहुत सारे नाटक होते थे, डांस होते थे, म्यूज़िक, तो इट वाज एक्चुअली अ कल्चरल एक्सचेंज जहाँ पे बड़ों से काफ़ी कुछ सीखना मिलता था। काफ़ी सारी आरतियाँ सीखी मैंने, कॉफ़ी कैसे बनानी होती है 50 लोगों के लिए, ये मैंने गणेश उत्सव में सीखा था। कॉम्पिटिशन्स होते थे बच्चों के लिए, और मुझे लगता है मेरे लिए गणेश फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा पहला ऑडियंस मुझे गणेश फेस्टिवल में मिला है जो कि मेरे सोसाइटी के लोग थे, और उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया था, हमेशा ये आके बोला था, पीठ थपथपाई थी और बोला था कि तुम अच्छा काम करती हो, तुमने हमें कितना हंसाया, तुमने हमें कितना रुलाया। तो ये जो हौसला था वो मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि ये मेरे पहले ऑडियंस थे। तो मैं मुझे लगता है कि हमेशा ज़िंदगी भर उनको याद रखूंगी क्योंकि अगर कुछ सीखा है तो मैंने मेरे गणेश फेस्टिवल के दिनों में सीखा है जब मैं छोटी थी। इस साल की कुछ खास मेमोरीज बता सकते हैं जो स्पेशल हो आपके लिए? इस साल डेफिनेटली स्पेशल है क्योंकि ऑफकोर्स पोस्टर बॉयज़ रिलीज़ हो रही है और मेरे पास इतने सारे नए दोस्त हैं, ये मूंग है, ये वो दूधी है, ये गेहूँ है, तो ये सारे दोस्त जो हैं वो जाके काफ़ी सारे लोगों में खुशियाँ बांटने वाले हैं और मुझमें भी एक नई जिम्मेदारी देने वाले हैं कि ये सिर्फ एक साल का व्रत नहीं था, ये ज़िंदगी भर भगवान के साथ बोला हुआ वचन है, तो वो मुझे मरते दम तक याद रखना और पड़ेगा। ऐसे भी सुनील कुलकर्णी को कहाँ कहाँ देख पाएंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में? मेरा एक मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर विच इज़ लाइंड अप अहेड। इसके बाद एक फिल्म आएगी जिसका नाम है होप और हम, इसमें मैं नसीर सर के साथ हूँ, और एक फिल्म है दिल दिमाग और बत्ती जिसके निर्देशक हैं ऋषिकेश गुप्ते, और एक मराठी फिल्म है जिसके निर्देशक है सचिन कुंडलकर, उसका नाम है गुलाब जाम। तो बहुत अच्छा काम है, मेरे दो प्लेस भी चल रहे हैं, एक एक नाटक है जिसका नाम है गर्दिश में तारे, उसके निर्देशक है सैफ हैदर हसन, और दूसरा है वाइट लिली और नाइट राइडर जिसकी मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ और मिलिंद फाटक उसके डायरेक्टर हैं। तो माय प्लेट लुक्स फुल, और उसके साथ पोएट्री प्रोग्राम भी है जो बाबा आमटे के पूरे साहित्य पर हमने एक पोएट्री प्रोग्राम बनाया है जो भी मैंने प्रोड्यूस किया है, एंड आई एम परफॉर्मिंग दैट शो इन बैंगलोर टुमारो, सो आई कीप ट्रैवलिंग विथ माई प्लेज ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।